तो नमस्कार। आज का समाचार पत्र है दैनिक जागरण, जो राष्ट्रीय संस्करण है। इस न्यूज़पेपर में देश विदेश राज्य की पूरी खबर दिया रहता है। दोस्त, इस न्यूज़पेपर में जितना भी हेडलाइन है सभी को मैं बारी बारी से आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, ताकि आपको न्यूज़पेपर की सभी जानकारी मिल सके। अंत में आप इस न्यूज़पेपर को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार पत्र दैनिक जागरण। यूक्रेन के दो शहरों में नागरिकों को निकालने के लिए संघर्ष विराम। हालात मारीपोल में, यूक्रेन ने रूसी फायरिंग जारी होने की बात कहकर लोगों को रोका। कीव सहित बाकी शहरों में भीषण हिंसा जारी। सुमी से नहीं निकाले जा सके भारतीय छात्र। भारत में इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं विदेश से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट। परीक्षा शुरू होने के 1.25 घंटे तक परीक्षार्थी को नहीं जाने दिया जाएगा शौचालय। अनधिकृत कॉलोनियों में बिछाई जाएगी 575 किमी सीवर लाइन। मदर डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपये बढ़ाए। सफदरजंग अस्पताल में जल्द होगी IVF की सुविधा। सुविधा सड़कों पर जल्द ही उतरेगी 100 AC बसें। शताब्दी वर्ष में स्नातक की सीटें बढ़ा सकता है दिल्ली विश्वविद्यालय। जांच में लापरवाही से नाराज कोर्ट ने CBI पर लगाए 10,000 रुपये जुर्माना। पुलिस आयुक्त की तस्वीर लगाकर व्हाट्सएप पर युवती से अश्लील हरकत। छात्रों के बिजनेस आइडिया को मिल रहे निवेश प्रस्ताव सिसोदिया। मॉरिस नगर में जांच के लिए रोका तो ASI पर चढ़ाधिकार। दिल्ली सरकार में ई कारों की अनिवार्यता नियम में होगा बदलाव। बिल्डर के घर लूट में कानूनगो की बेटी व बेटे समेत 3 गिरफ्तार। अहम पहल, प्रत्येक जिले में होगा कम से कम 1 उच्च शिक्षण संस्थान। 20 चुनाव नतीजे के बाद राजधानी में जुटेंगे क्षेत्रीय दलों के दिग्गज। FATF की निगरानी सूची में रहेगा पाक। जदयू में किसी तरह का विवाद नहीं। RCP सिंह पुणे मेट्रो रेल परियोजना का आज उद्घाटन करेंगे मोदी। गोवा में भी टैप किए जा रहे हैं फोन। रात नौसेना ने INS चेन्नई से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। व्यक्ति और जाति के बजाय राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता सर्वोपरि। हाईकोर्ट आवासीय और वाणिज्यिक स्थलों के 10% हिस्से में लगाए पौधे। को लोकेशन घोटाले में सवालों के सही जवाब नहीं दे रही चित्रा। रेलवे भर्ती विवाद में समाधान को जल्द किया जाएगा अधिसूचित। चुनाव के लिए नहीं बनाया है काशी विश्वनाथ धाम PM मोदी। यूक्रेन संकट पर भी राजनीति कर रहा है विपक्ष प्रधानमंत्री। आपने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। माफिया नहीं जनता के साथ है हमारा संवेदना आदित्यनाथ। अखिलेश को नहीं दिखती है बेहतर कानून व्यवस्था। अब भाजपा को सबक सिखाएगी जनता अखिलेश। मणिपुर में दूसरे चरण में 76.04% मतदान। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की 54 सीटों के लिए थमा प्रचार। मतदान सोमवार को। रोजगार देते तो राशन बांटने की स्थिति नहीं आती प्रियंका। भट्टल बोली कांग्रेस आप में हो सकता है समझौता। रीता बहुगुणा के पुत्र मयंक सपा में शामिल। स्पष्ट लचीली तर्क संगत हो नीति, उद्योगपति भी हो हिस्सेदार। खुशहाली की गंगा को चाहिए पहाड़ पर तेज विकास। महंगी बिजली और श्रमिक संकट से जूझती रही इंडस्ट्री। कार्य प्रणाली सुधरे तो शुद्ध हो जाएगी ढांचागत विकास। हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग 43 छात्रों का सिर मुंडवाया वीडियो वायरल। राजस्थान में पकड़ा गया कोयले में मिलावट करने वाला गिरोह 7 गिरफ्तार। 3 करोड़ किशोरों को पूर्ण टीकाकरण। पूर्व PM वाजपेयी के सहयोगी रहे शिव कुमार का निधन। भागलपुर धमाके में मरने वालों की संख्या 15 हुई। मन में जगी राष्ट्रवाद की भावना तो अफजल ने थामी संघ की डोर। जज की पत्नी और मासूम पुत्री को कुचलने का किया प्रयास। इन 5 दिशाओं में जा सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। फेक न्यूज पर कानून बनने से दिग्गज मीडिया संस्थानों का रूस से किया किनारा। पसंद नहीं पहरेदारी। BBC CNS ब्लूमबर्ग ने विरोध में काम बंद किया। नो फ्लाई जोन नाटो पर से जेलेंस्की। रूसी आक्रमण वैश्विक शांति पर प्रहार बाइडन। कूटनीतिक स्तर पर PM मोदी सफल। विज मौत के मंडराते
साय के बीच जान बचाने की चुनौती पाकिस्तानी की नीति से नाराज ब्रिटेन ने NSA यूसुफ का दौरा किया रद्द। नो फ्लाई जोन के खिलाफ पुतिन की सख्त चेतावनी। भारतीय विद्यार्थियों को लूट रहे यूक्रेन की पुलिस। सूपी में फंसे छात्रों ने खुद निकलने की दी धमकी। ह्यूमन कॉरिडोर यानी लाखों जीवन का रक्षक। समितियां बना भाजपा। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के लिए रही है सूद। वायुसेना के 3 विमानों से वतन लौटे 629 लोग। ऑपरेशन गंगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विद्यार्थियों का किया स्वागत। संकट के मारों के लिए पोलैंड में मंदिर गुरुद्वारा खुले द्वार। 2 घंटे परीक्षा में उम्मीदवार नहीं जा पाएंगे शौचालय। कर्नाटक में सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे 34,563 मंदिर। अंकित दास की जमानत अर्जी पर सरकार से मांगा जवाब। भाजपा ने लगाया आरोप। TMC ने लगा रखा अनौपचारिक आपातकाल। ममता के विमान के तेज हवाओं में फंसने को लेकर DGCA से मांगी रिपोर्ट। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत 2 के खिलाफ वारंट जारी। बेशर्मवादकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस इतर कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी खारिज। खतरनाक मोड़ लेता यूक्रेन संकट। घातक नतीजे वाला युद्ध। जंग का मैदान बना दिल दिमाग। खंभे लगाना ही हल नहीं। ईश्वर का साक्षात्कार। उल्कापिंड में छिपा सौर मंडल का अतीत। प्रमाणिक लेखन से छटेगा कोहरा। चुनावी मुद्दा बनी एक झील। भारत और भारतीयता का सार्थक विमर्श। शतरंज के साधक की कहानी। साहित्य और चिंतन के सहकार की मानवीय छवियां। बाल केंद्रित शिक्षा पर दिया जाए जोर। लापरवाही से सबक। राज्य कांग्रेस की बढ़ती परेशानी। दागी प्रत्याशियों की संख्या। धू धू कर जल रही थी बोगी। लोगों ने धक्का देकर ट्रेन को बचा लिया। ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन को कंट्रोल करेगा रिमोट। कश्मीर की क्रूर सच्चाई का दर्पण है फिल्म द कश्मीर फाइल्स। उत्तर प्रदेश PCS की मेंस परीक्षा 23 से होगी। हुड़ियानियों को इस होली में खूब सताएगी एयरबाइक वाली ढाल। हाथरस में तैयार किया गया तिरंगा गुलाल सिलेंडर। देश भर में सफलाए। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता को याचिका के साथ 10 लाख जमा करने को कहा। अप्रैल से महंगा होगा वाहन बीमा। इथेनॉल उत्पादन पर जोर। खनिज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत। भारत व बांग्लादेश के बीच कारोबार पर अध्ययन जल्द। MSME की मदद के लिए BSE ने किया करार। गेहूं निर्यात 70 लाख टन रहने का अनुमान। इमामी ने टू ने टीम में खरीदी 19% हिस्सेदारी। नियुक्तियों पर कोरोना के नए वायरस का असर नहीं। कोविड युद्ध और ऐसी ही बातें के मायने। 7.1% वृद्धि के साथ $23,000 करोड़ हुआ चीन का रक्षा बजट। पहली बार दुनिया के सामने आया तालिबान का गृह मंत्री हक्कानी। खाने योग्य नहीं पाकिस्तान का गेहूं। भारत की गुणवत्ता उत्तम। तालिबानी अधिकारी। जय हिंद जय भारत।